हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं रीसेट नेटवर्क सेटिंग के बारे में। जैसे कि हम रीसेट नेटवर्क सेटिंग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे फ्रेंड्स सेटिंग पर। सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा आपको ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं सिस्टम सेटिंग, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और लास्ट वाले ऑप्शन पर जाना है, बैकअप एंड रिस्टार्ट पर, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फ़ोन रीसेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है रीसेट नेटवर्क सेटिंग, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से रीसेट कर देंगे। रीसेट करते ही आपके फ़ोन में जो वाईफाई कनेक्ट है या फिर नेट ऑन है, सब कुछ ऑफ हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ हम रीसेट क्यों करते हैं, इसको रीसेट होने से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर रीसेट वाईफाई ब्लूटूथ एंड मोबाइल इंटरनेट सेटिंग, यानी कि वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है, फिर डिसकनेक्ट नहीं हो रहा है, फिर ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा है, या फिर आपका इंटरनेट ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, तो आप इस तरीके से इसको रीसेट को नेटिंग सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं और आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए पीसी से रिलेटेड या फिर फ़ोन से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं।